अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। देखा, इट्स अबाउट समर्स एंड इट्स अबाउट फाइव थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट समर्स। और अच्छा जी, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट समर इज़ एक्चुअली समर्स मुझे पाकिस्तान आने के बाद से तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, बट स्टिल देयर फ्यू थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट समर्स। हम जब छोटे थे तो वी यूज़ टू लिव इन जद्दा, तो हम समर्स का बहुत शिद्दत से वेट किया करते थे, ताकि यू नो समर वेकेशंस का, ताकि हम पाकिस्तान जाएं, वहाँ पे अपने सब रिलेटिव से मिलें। ऑलमोस्ट हर समर वेकेशन में हम पाकिस्तान आते थे। सो दिस इज़ द रीज़न दैट आई लाइक समर्स, क्योंकि यू नो आई हैव ज़हरान हैज़ नॉट स्टार्टेड हिज स्कूल येट। मुझे नहीं पता वो एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, लेकिन आई एम श्योर वो जो एक डेढ़ महीना दो महीना होता है, सऊदीया में थोड़ा ज़्यादा टाइम होता था, समर्स दो ढाई महीने होते थे, तो वो बड़े मज़े का होता है। यू आर एट होम और वो बड़ा एक मज़े का टाइम होता है स्पेंड करने का, और स्पेशली जो ओवरसीज़ होते हैं वो पाकिस्तान आते हैं। तो दिस इज़ वन रीज़न दैट आई लाइक अबाउट समर। सेकेंड थिंग दैट आई लाइक अबाउट समर इज़ ये बहुत ब्राइट होता है। यू नो मुझे विंटर सीज़न थोड़ा सा डल लगता है। आई लाइक विंटर, मतलब मज़ा आता है। ऑनेस्टली जद्दा और कराची रहने के बाद विंटर का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मेरे जहन में है नहीं, बट उसमें एक उदासी सी फील होती है मुझे। बट समर में इट्स ब्राइट, इट्स सनी, इट्स लाइक यू नो बहुत एक आपका मूड अच्छा होता है उसमें, समर सीजन में। विंटर में आप थोड़ा उदास फील करते हो, इसलिए आई थिंक सारे जो ये रोमांटिकली सैड सॉन्ग्स विंटर को लेके बनते हैं, और सारे ब्राइट मज़े के सॉन्ग्स और इस तरह के सॉन्ग्स वो बीच पे जाके बनते हैं। सो दिस इज़ द अदर थिंग दैट आई लाइक अबाउट समर, इट्स वेरी ब्राइट। एंड ऑफ कोर्स बीचेस, आई लव बीचेस। मुझे जद्दा में रहते थे वहाँ पे, तो यू नो एवरी वीकेंड वी यूज़ टू गो टू द कॉर्निश, और मुझे बहुत मज़ा आता था वहाँ पे सनसेट देखना। तो वो समर का जो एक ये पार्ट है वो भी बड़े मज़े का होता है। ऑब्वियसली विंटर में तो आप नहीं जा सकते हो, स्पेशली जो लोग स्विमिंग करते हैं और स्विमिंग करना पसंद करते हैं, वो यू नो वो तो नहीं प्रेफर, वो तो नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन समर में आप जितना मर्ज़ी आप सी व्यू जाओ, वॉक करो, सनसेट देखो, यू नो वहाँ पे जाके आपका मूड भी बहुत अच्छा होता है, वेदर भी अच्छा होता है वहाँ का। और या बीचेस इज समथिंग जो कि ज़ाहिर है अभी हम नहीं कर पा रहे इन दिस सीज़न, कोरोना की वजह से हम बीचेस वगैरह को वैसे इंजॉय नहीं कर पा रहे, बट अदरवाइज समर्स में बीचेस जाना अलग है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान को मिली हूँ जिसको मैंगोज पसंद नहीं होंगे। और मुझे याद है बचपन में हम स्पेशली पाकिस्तान से आम मंगवाया करते थे, क्योंकि यहाँ का आम की तो बात ही अलग है। और आम मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है। उसकी बहुत सारी किस्में होती है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो मीठा मीठा वाला आम होता है ना, मुझे वो बहुत पसंद होता है। और आम का अचार, यस वो भी होता है, दैट इज़ अनदर रीज़न कि इस सीज़न में आम का अचार भी डाला जाता है, और वो भी एक बड़े मज़े की चीज़ होती है। सो या आम। अच्छा जी, तो ये रीज़न जो है वो थोड़ा हाउसवाइफ टाइप है। मुझे समर में खाना बनाने की इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल्स इस सीज़न में अवेलेबल होती हैं, और तकरीबन सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं सीज़न में अवेलेबल होती हैं, सारे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। तो जो खाना बनाने के टेंशन होता है ना कि आज क्या बनाएं टाइप्स, एंड आई लव वेजिटेबल्स एक्चुअली। मुझे आई एम अ वेजिटेबल पर्सन, आई लव फ्रूट्स। तो सारे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं सीज़न में, ये जो दो चार महीने होते हैं स्पेसिफिकली, तो ये भी थोड़ी आपकी टेंशन कम होती है कि आज क्या बनाएं, सिर्फ वही दाल, वही रोटी और वही चिकन आ जाके, सो थोड़ा आपके पास वैरायटी आ जाती है। अनदर थिंग दैट आई लव अबाउट समर इज़ कि यू डोंट हैव टू वेयर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स। आई मीन ओ गॉड, खासतौर पर जब आपका छोटा बच्चा होता है, अपने लिए भी, क्योंकि विंटर में आप थोड़ा तंग आ जाते हो इतने ज़्यादा सारे कपड़े पहन पहन के, और ज़्यादा एक लेज़ीनेस सी भी होती है। लेकिन जब आपका छोटा बच्चा होता है और आप उसको लाइक
जारान इज़ अ विंटर बेबी, वो विंटर के स्टार्ट में पैदा हुआ था। जब मार्च हुआ था, मार्च आया था, तो मैंने कराची में मतलब शुरू में पंजाब में थी, फिर मैं कराची आ गई थी। तो पंजाब में तो 4 से 5 लेयर्स होती थी एटलीस्ट, और कराची आके मैंने 2 कर दी थी। लेकिन मार्च में मैंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे कि शुक्र है कि अब मुझे इसको सिर्फ 1 लेयर पहनानी है, और इजी पीजी टी शर्ट शॉर्ट्स में नो टेंशन एट ऑल। तो ये भी एक बड़े मज़े की चीज़ होती है, और बड़ों के लिए भी ये चीज़ होती है कि आप यू नो इजी पीजी टी शर्ट में आराम से घूम सकते हो, वरना विंटर में तो आप लेयर्स लेयर्स वो लेयर्स लेयर्स पहन के आप भी बहुत तंग आए होते हो, और अजीब सी सुस्ती भी हुई होती है विंटर में। सो दिस इज़ अनदर थिंग दैट आई लाइक अबाउट समर, कि आप यू नो इजी चिल घूम सकते हैं। सो दीज वर द 5 रीजन्स दैट वाई आई लव समर्स। आई होप आप इससे रिलेट कर सकेंगे, आई होप आपको मेरी बातें सुन के मज़ा आया होगा, और इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम प्रिटी सून। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।